सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक अनाचार किया गया। जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया जाता है, लेकिन क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस वाले पर ही रेप का मामला दर्ज किया गया है। अब आपके जहन में यह बात जरूर आएगी कि पुलिस खुद अपराधी बन जाए तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, खासकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को कौन रोकेगा। दरअसल दुर्ग जिले के अंतर्गत अमलेश्वर थाने के पूर्व TI को रेप के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाना प्रभारी राजेंद्र यादव के ऊपर एक महिला ने जबरदस्ती रेप करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। दुर्ग SP अभिषेक पल्लव ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षक राजेंद्र यादव जब नवंबर 2022 में दुर्ग के अमलेश्वर थाने में पदस्थ था, तब उसका संपर्क थाने के पीछे रहने वाली एक तलाकशुदा महिला से हुआ। TI की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। इस दौरान उसने तलाकशुदा महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर पिलाया और दुष्कर्म किया। उसके बाद महिला को डरा धमका कर और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार अवैध संबंध भी बनाए। इस दौरान उसने मारपीट भी की। पीड़ित महिला ने इसकी लिखित शिकायत IG आनंद छाबड़ा से की है। जांच के बाद आरोपी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन अमलेश्वर प्रभारी राजेंद्र यादव के खिलाफ एक महिला द्वारा यह लिखित शिकायत दी गई कि राजेंद्र यादव द्वारा नवम्बर माह में उसको सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक अनाचार किया गया। बाद में डरा धमका के 5-6 बार और अनाचार की बात सामने आई है और उसे लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। महिला द्वारा यह शिकायत IG महोदय को दी गई कि जाँच की गई। जाँच में प्रथम दृष्टया सत्यता पाने पर उसके खिलाफ जो है FIR किया गया, उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है और लाइन अटैच किया गया है। इनके खिलाफ छोटी बड़ी शिकायतें पहले भी हुई हैं। एक बार जो है एक व्यक्ति द्वारा इनके खिलाफ मारपीट की शिकायत की गई थी। पूर्व पदस्थापना में भी इनके खिलाफ आरक्षकों द्वारा भी दुर्व्यवहार की शिकायत की गई थी। बाकी कोई बड़ी शिकायत इनके खिलाफ पेंडिंग नहीं थी, लेकिन अभी जो महिला की शिकायत के आधार पर विधिवत कार्रवाई